जय श्री केदार। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर दूंगी बाबा केदारनाथ जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके लिए श्री केदारनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की जो जानकारी है वो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को कहना चाहूंगा, उत्तराखंड प्रशासन द्वारा आप सभी तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए काफी बड़ा फैसला लिया गया है 2023 की यात्रा को लेकर। वहीं केदारनाथ यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी आप सबको ये बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। और भी कई सारे बड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो में आप सबको देने वाला हूं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा 2023 के लिए फिलहाल आज से ही तैयारियां शुरू हो गई है। जी हां, आप सभी तीर्थ यात्रियों को कहना चाहूंगा कि इस पर प्रशासन की जोरदार तैयारियां हैं। और वहीं जितने भी तीर्थयात्री पहले हेलीकॉप्टर की जो सुविधा थी आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए, वो गौरीकुंड, सिरसा और फाटा से मिलती थी, पर आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी अब की जानकारी है वो ये है कि अब आपको देहरादून से सीधा केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। जी हाँ, जो आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। और साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप सबको पता होगा कि गौरीकुंड और फाटा से जो आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए जो हेली सेवा है उसमें काफी तीर्थयात्रियों को काफी बड़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर वहां पर टिकट्स नहीं मिलती है। वहीं आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि अब कई सारे तीर्थयात्री जो होते हैं वो हवाई जहाज से आते हैं और जॉलीग्रांट हवाई अड्डा जो है वो देहरादून में ही है। वह अगर देहरादून से ही अपनी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं, वहीं से उन्हें हेलीकॉप्टर केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के लिए मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। जी हाँ, आप सभी को कहना चाहूंगा इस पर काम पूरी तरह से लगाया हुआ है और अगले वर्ष पूरी तरह से इसे उत्तराखंड प्रशासन देने के लिए लाभदायक हो जाएगा। आस लगाई जा रही है कि नए वर्ष में रोपवे का भी काम शुरू होगा और जल्द से इस रोपवे को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी हाँ, जो विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे है। साथ ही आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए ये बड़ी जानकारी है कि मंदिर परिसर में मौसम कैसा बना हुआ। मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। और साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि केदारनाथ धाम के लिए देहरादून से और बद्रीनाथ धाम जी के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर सेवा की नए वर्ष शुरुआत की जाएगी, जो आप सभी तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।